मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के हजूरी में उर्दू स्कूल के खेल मैदान पर प्रशासन द्वारा डाटा सेंटर का जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है, ऐसा आरोप हजूरी वासी प्रशासन पर लगा रहे हैं। आज समाज सेवक फिरोज पठान और MIM थाने जिला स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष फैजान पठान और तमाम हजूरी वासियों और उर्दू स्कूल के बच्चों ने आज अपने स्कूल के खेल के मैदान पर हो रहे डाटा सेंटर के खिलाफ अपना हक लेने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। ठाणे महानगर पालिका के सामने बच्चों की तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से उर्दू स्कूल के खेल के मैदान के लिए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी ये बच्चे कर रहे हैं। इनकी मांग है कि ये स्कूल का खेल का मैदान है और इस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, मगर इसके बावजूद बच्चों के खेल के मैदान पर डाटा सेंटर का निर्माण हो रहा है। हालांकि इसके खिलाफ स्थानीय लोगों ने पत्र व्यवहार द्वारा ठाणे महानगर पालिका में शिकायत भी की, मगर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद राजनीतिक पार्टियां, स्थानीय लोग, स्कूली बच्चों ने आज आंदोलन किया और ठाणे महानगर पालिका में ज्ञापन भी दिया। थाने महानगर पालिका कुछ 6-7 महीने पहले स्कूल के बच्चों के जो खेलने का जो ग्राउंड है, जहां बच्चे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और हर महीने खेल के कार्यक्रम करते हैं, जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाई जरूरी होता है उसी तरह खेल भी जरूरी होता है। बच्चे अपने बचपन की उम्र में एक्सरसाइज खेल से अपने सेहत को मजबूत करते हैं। जैसा स्कूल जरूरी है वैसा मैदान भी जरूरी है, लेकिन थाने महानगर पालिका बच्चों के खेलने की जगह पे डाटा सेंटर का निर्माण कर रही है। स्थानीय लोग वहाँ के लगातार 6 महीने से डाटा सेंटर का विरोध कर रहे हैं कि डाटा सेंटर का जो काम है वो गलत तरीके से बच्चे को खेलने की जगह पे नहीं बनाए। मैं खुद प्रशासन से कई बार पत्र व्यवहार कराया, कई बार उनसे मुलाकात करके उनको जानकारी दी गई कि आपका जो काम डाटा सेंटर का है वो बच्चों के खेलने की जगह पे, वहाँ से जल्द वहाँ से हटाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई भी ऐसी उचित कदम नहीं उठाई। हमने कई बार आंदोलन का लेटर भी दिया गया, आज भी हम आंदोलन के लिए आए, आज भी यहाँ पे कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, चाहे वो शिक्षा विभाग का हो, चाहे आयुक्त साहब हो, कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद आज सरकार याद हुई ये ठान ली है कि थाने महानगर पालिका सरकारी स्कूल नहीं चला पाएगी। क्या ये उनकी वो है क्या? क्योंकि गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में जाते पढ़ने, सरकार को सरकारी स्कूल को मान्यता देनी चाहिए, उनकी तरफ लक्ष्य, उनका ध्यान सरकारी स्कूल को देनी चाहिए। आज उसकी लड़ाई हजूरी से शुरू हो गई है और इसमें हमारे इलाके के समाज सेवक हैं, हर एक पक्ष के लोग ये आंदोलन में शामिल हुए और आज थाने महानगर पालिका के सामने हमने धरना आंदोलन दिए। अगर जल्द से जल्द थाने महानगर पालिका अपना डाटा सेंटर का काम वहाँ पे रोक के बच्चों को खेलने का मैदान 26 जनवरी से पहले नहीं बना के देगी, नहीं अगर कोई कमिटमेंट देगी तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि काम नहीं रोका गया और बच्चों को उनका खेल का मैदान, उनका हक नहीं मिला तो जल्दी ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे, मगर ठाणे महानगर पालिका के तरफ से हजूरी वासियों को आश्वासन दिया गया है कि हम सभी इस मसले पर बैठकर बातचीत कर इस मसले का हल निकालेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हजूरी के उर्दू स्कूल के बच्चों को उनके खेलने का हक मिलता है या फिर नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।